यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और इसी बीच बड़ी खबर हिमाचल के ऊना से, जहां पर बेघर हुए कुष्ठ रोगियों को अब आशियाना मिलेगा। जिला प्रशासन ने कोटला खुर्द में आवंटित कर दी है भूमि और साथ ही जल्द बनाए जाएंगे यहां पर कुष्ठ रोगियों के आशियाने। डीसी राकेश कुमार खुद पूरे मामले पर नजर रखेंगे। तो ये बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के ऊना से, जहां पर बेघर हुए कुष्ठ रोगियों को अब जल्द ही आशियाने दिए जाएंगे। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने भूमि भी आवंटित कर दी है। कोटला खुर्द में ये भूमि आवंटित की गई है कुष्ठ रोगियों के लिए, यहां पर आशियाने बनाए जाएंगे और इसके साथ ही डीसी राकेश कुमार खुद इस पूरे मामले पर नजर रखेंगे। और ज्यादा जानकारी लेंगे अमित शर्मा, हमारे संवाददाता ऊना से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, अब बेघर हुए कुष्ठ रोगियों को आशियाने जो है वो दिए जाएंगे, तो ऐसे में कब तक जो है आशियाने उपलब्ध हो पाएंगे इन्हें? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि करीब 9 माह पहले रेलवे भूमि पर जो अवैध कब्जे थे उनको हटाया गया था हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद। उसके बाद प्रशासन ने जो है वो अब कदमताल शुरू कर दी है। फिलहाल जो है उनको जमीन आवंटित कर दी गई है और उसके साथ ही यहाँ पर प्री फैब्रिकेटर जो ढांचा है वो तैयार करने का आदेश डीसी उन्होंने दिया है, जिस पर 15 से 20 लाख रुपए खर्च आएगा। जब तक परमानेंट स्थायी आशियाने उनके नहीं बनते हैं, तब तक जो प्री फैब्रिकेटेड ढांचा है उसमें जो है इनको रखा जाएगा। ये 20 के करीब परिवार जो है कुष्ठ रोगियों के यहाँ ऊना में है और 40 के करीब कुल संख्या इनकी कुष्ठ रोगियों की यहाँ पर है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। तो 40 के करीब जो संख्या है वो बताई जा रही है कुष्ठ रोगियों की। अब हालांकि इनको आशियाना जो है वो मिलेगा और इसके लिए भूमि भी आवंटित कर दी गई है। जिला प्रशासन ने कोटला खुर्द में भूमि आवंटित की है और साथ ही यहाँ पर अब डीसी राकेश कुमार खुद इस पूरे मामले पर नजर रखेंगे।